हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। यह है भारत माता का मंदिर, सहारा स्टेट। इसके पीछे हनुमान जी की मंदिर है, बजरंगबली की। और यहाँ से आज हम लोग चलते हैं महिंद्रा शोरूम, जहाँ मेरी गाड़ी दी हुई है बनने के लिए, बुलेरो कैंपर। सहारा स्टेट से महिंद्रा शोरूम सरदार मोटर्स कैसे जाया जाए, इसके रास्ते हम आपको आज बताते हैं। फिर फ्रेंड्स चला जाए आगे। वी आर ऑन द वे टू सरदार मोटर्स। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी फोर लेन पे, बोलेरो कैंपर। उसकी रिपेयरिंग लगभग तो 2.5 महीने हो गए, हो रही है 3 महीने हो गए, और अब सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ शायद कोई शादी का प्रोग्राम है, इसलिए पंडाल वगैरह बन रहा है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा ये भी दिखा दूँ, सहारा स्टेट में शादी के लिए ये जो फील्ड है बहुत बेहतरीन तरीके से बुकिंग होती है, और जिसके इनकम से सोसाइटी वाले सहारा के मेंटेनेंस करते हैं। ये खूबसूरत सा नज़ारा सहारा स्टेट का। ये रोड है, एक लेन इधर है, एक लेन वो उस पार है, इधर से जाने के लिए, इधर से आने के लिए। ये शायद शादी के लिए बुक हुआ है। ये जो रोड बनी है, ये भी सहारा स्टेट के सोसाइटी के लोगों ने बनवाया है। इसकी तो हालत ऐसी हो गई थी कि आने जाने लायक नहीं थी, लगभग 15 डेज पहले की बात। और अपना दिमाग लगा कि ये लोगों के लिए सुविधा प्रोवाइड करते रहते हैं। मैनी मैनी थैंक्स टू द सोसाइटी। यहाँ इन्होंने बैरिकेड लगा के रखा, इसका रीज़न ये है कि बड़ी बड़ी ट्रकें और गाड़ियाँ भी अंदर आ जाती हैं, जो कि होना नहीं चाहिए एक्चुअली। इससे रोड बहुत जल्दी टूट जाती है। यहाँ के क्लब हैं सहारा स्टेट के, जो आप लोगों को हल्का सा व्यू मैं दिखा देता हूँ। ये क्लब का रूट है, ये क्लब है, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है। ये भी बुकिंग होती है मैरिज या शादी के लिए। और ये बगल में फील्ड है, बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट। बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये जो रोड दिख रही है, एक रोड वहाँ तो नहीं दिखी थी, यहाँ दिख रही है वो वाली रोड जो जा रही है उस साइड। खैर, हमारा आज टारगेट है महिंद्रा शोरूम, जहाँ मेरी गाड़ी बन रही है। देखा जाए क्या कंडीशन है मेरे गाड़ी का। सैटरडे को बंद थी, फ्राइडे को मैं गया था, लगभग कंप्लीट हो गई थी, बस कुछ पार्ट्स फिटिंग करने बाकी रह गए थे। हाँ, मैं कह रहा था ये पार्क जो इन्होंने लीज पे दिया है, इसमें एक्सरसाइज करने के इंस्ट्रूमेंट और बहुत सारी चीज़ें लगेंगी इसमें, जिसमें बच्चे खेलने भी आएंगे। इसकी एंट्री फीस होगी, बट देन इट इज़ गुड फॉर द सहारा पीपल। और जो लोग बाहर से आएंगे वो भी घूमने के लिए पसंद करेंगे, इस जगह घूमना पसंद करेंगे। स्टैंड सही नहीं है। यह है सहारा गेट नंबर 1। सहारा वालों ने यहाँ चौकी भी बनाई है, पुलिस चौकी, पुलिस डिपार्टमेंट को दी है। मैं आप लोगों को ये पुलिस चौकी दिखा दूँ, हल्का सा गाड़ी को मोड़ के। ये पुलिस चौकी एक नंबर गेट पे इन्होंने बनवाया है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।
पसंद नहीं है, पर दिस इज़ गुड। ओके फ्रेंड्स, चला जाए। ये गेट नंबर 1 है और इसके आगे वो पालम सिटी बन रही है, मल्टी स्टोरी। गेट नंबर 1 से हम लोग निकला जाए और ये यहाँ से लेफ्ट चली जाती है देवरिया बाईपास, जबकि हम लोग देवरिया जा सकते हैं यहाँ से। और राइट हैंड साइड मार्केट की तरफ, चले अपने काम पे। सबसे खूबसूरत चीज़ यहाँ पे यही लगती है कि ये जो सहारा स्टेट जो बनी है कॉलोनी रेसिडेंशियल इलाका, ये ताल के किनारे बसी हुई है। बहुत ही सुंदर व्यू आता है, आप देख सकते होंगे, शायद हल्का फुल्का राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा आपको। सिंस आई एम राइडिंग, सॉरी आई एम ड्राइविंग द व्हीकल, सो आई कैनॉट सो यू परफेक्टली। ये तारामंडल रोड कहते हैं इसको। सॉरी फ्रेंड्स, ये तो हिल बहुत रहा है मेरा वीडियो, इसको थोड़ा चेक कर लें। चलिए फ्रेंड्स, अभी फिक्स करने की कोशिश तो मैंने की है, शायद ना हिले। मेरे ख्याल से ठंडे के सीज़न है, फिर भी हीट ज़्यादा है बोनट पे, इसलिए उखड़ जा रहा है, उसके ग्लू परफेक्टली काम नहीं कर रही है। बट देन लेट्स कंटिन्यू। बगल में चिड़ियाघर बन रहा है, कोशिश करता हूँ आप लोगों को चिड़ियाघर का व्यू दिखाने के लिए। इट इज़ नॉट कम्प्लीट येट, बट कंस्ट्रक्शन बहुत हाई पीक पे हो रहा है। मैं गाड़ियों किनारे लेके आप लोगों को व्यू एक हल्का सा दिखा देता हूँ। ये है यहाँ जो चिड़ियाघर बन रहा है, ये चिड़ियाघर ताल के किनारे। हमारे सीएम, यूपी के सीएम चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी द्वारा निर्माणित एक गोरखपुर के आकर्षण में और भी एक जगह ऐड हो गया। जो लोग गोरखनाथ मंदिर घूमने आएंगे वो चिड़ियाघर जरूर ही घूमेंगे। अच्छे है, ये रोड सीधे चली जाएगी सरदार मोटर्स महिंद्रा से, आगे जाके एक टी रोड मिलेगा, टी रोड से हमें लेफ्ट ले लेना है लखनऊ वाले रोड पे, फिर हम रुस्तमपुर होते हुए नौसड़, और नौसड़ में ही सरदार मोटर्स महिंद्रा शोरूम है, उसके सर्विस सेंटर भी वहीं पे है।
यहाँ सैटरडे को खुला रहता है, सॉरी सैटरडे को बंद रहता है, संडे को खुला रहता है। ये स्पीड ब्रेकर, बीच में एक एडवर्टीजमेंट आया था वो इंडियन लोगों के ऊपर में, अपने ही लोगों के ऊपर में, हम भी इंडियन हैं भाई, हम इंडियनों का बुराई नहीं करते, बट देन वी पीपल डोंट केयर अबाउट द ट्रैफिक, हमें अपने जान से डर नहीं लगता है जैसे लगता है, हाथ दिया नहीं कि टर्न ले लिया, यहाँ ये फील होता है जैसे कि मैंने हाथ दे दिया तो पूरी संसार रुक गई, बस मैं ही मैं हूँ, इसलिए शायद एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, भगवान भरोसे चलती है यहाँ के ट्रैफिक। अगर इस ट्रैफिक के अनुसार अगर हम ना चले तो हम भी लड़ जाएंगे, जैसी देश वैसी वेश, प्यारे लोग प्यारी जगह, पुलिस बैरिकेड्स, रेलवे स्टेशन से सहारा स्टेट 15 किलोमीटर है, मार्केट से 10 किलोमीटर, 10 संडे है इसलिए ट्रैफिक कम है, अदरवाइज बहुत रश होता है इस रोड पर। मैं सीट बेल्ट लगाना भूल गया था आप लोग से बातचीत करने के चक्कर में, इसलिए मैं रुका और सीट बेल्ट लगा लिया, अब आगे चलते हैं। बिगेस्ट स्पीड ब्रेकर पशु, एक बात है गोरखपुर में ड्राइव करते समय बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, कब किधर से कौन मुड़ जाएगा कोई भरोसा नहीं,
देखें वो ठेले वाला कैसे पार कर रहा है। और गाड़ी आती रहे कोई बात नहीं, कितने भी स्पीड में हाथ देंगे क्रॉस कर जाएंगे। ये रामगढ़ थाना है, पुलिस स्टेशन, रामगढ़ ताल कहते हैं हम लोग, जो बगल में हमने बताया था सहारा स्ट्रीट, इस ताल के किनारे बने हैं, यानी लेक, इट्स वेरी ब्यूटीफुल लेक, आई हैव शोन यू बिफोर, पहले की वीडियो में मैंने डाला था। इस रूट पे दो पेट्रोल पंप है, कभी भी कोई दिक्कत, दोनों राइट हैंड साइड में, अगर पेट्रोल की दिक्कत हो तो आप ले सकते हैं। यहाँ बगल में एक हनुमान जी की मंदिर है, बजरंगबली की, दक्षिणेश्वर मंदिर कहते हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, काफ़ी भीड़ होती है सुबह और शाम, खूबसूरत मंदिर है। ये लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगी, इसको अभी हम क्रॉस करके निकले हैं। मैंने बताया था आगे जाके रोड टी शेप है, जिससे हमें लेफ्ट टर्न करना है। यहाँ राइट हैंड साइड में एक्सिस बैंक है और HDFC बैंक आगे है लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी ICICI बैंक। यहाँ गरुड़ सुपर बाज़ार, यहीं से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे। यहाँ राइट लेफ्ट हैंड साइड में एक पेट्रोल पंप, एक गोरखपुर मार्केट की तरफ चले जाएंगे अगर हम राइट टर्न लेंगे। हमने लेफ़्ट लिया है और हम नौसढ़ जाएंगे, यही रूट लखनऊ भी चली जाती है। ये लेफ्ट हैंड साइड में ICICI बैंक है, बट देन आवर डेस्टिनेशन इज सरदार मोटर्स महिंद्रा शोरूम। ये लेफ्ट हैंड साइड से गाड़ियाँ निकल रही हैं, इसको हम रुस्तमपुर ढाला कहते हैं, रुस्तमपुर ढाला, वेरी रिस्की प्लेस, कोई भी यहाँ किसी के लिए नहीं रुकता, बस गाड़ी आगे बढ़ाते जाइए और निकलते जाइए। अगर इस यहाँ के ट्रैफिक के हिसाब से नहीं चलेंगे तो खुद ही लड़ जाएंगे। अगर अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक रूल आप चलते हैं तो दिन भर फंसे रह जाएंगे। पुलिस चौकी है, यहाँ से भी एक रोड मार्केट की तरफ चली जाती है। और एक रोड रुस्तमपुर मार्केट की तरफ, एक रोड गोरखपुर मार्केट की तरफ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड रुस्तमपुर मार्केट की तरफ। ट्रैफिक वाले ने मुझे रोक दिया है, हैव टू ओबे बाय द रूल्स, यू शुड एटलीस्ट लिसन, हमें सुनना तो चाहिए। आज तो संडे है इसलिए यहाँ रश कम है, अदरवाइज यहाँ घंटों रश, यहाँ ट्रैफिक जाम होती है। गलती ट्रैफिक पुलिस की नहीं है, गलती लोगों की है, ट्रैफिक एक तरफ से हाथ देते हैं, लोग अंदर चले जाते हैं। They don't listen to traffic. Traffic की सुनती ही नहीं, सुनते ही नहीं। अभी कोई प्रोग्राम है शायद, मे बी फॉर डेकोरेशन पर्पस, शादी विवाह के लिए। पहले
आप जैसे ही ट्रैफिक देख रहे होगे आपको बड़ा गुस्सा आ रहा होगा, कैसे लोग यहाँ पे चलते हैं विदाउट केयरिंग। पहले मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, गाड़ी रोक के निकल के मैं लड़ जाता था। जो लोग मेरे साथ रहते थे उन्होंने बताया, अरे ऐसे ही चलती है यहाँ पे, चलते रहिए, क्यों झगड़ा करते रहते हैं। मैंने भी सोचा कितनों को सिखाऊंगा, मैं यही फंसा रहा, बेहतर यही है कि निकलते रहो। इस रूट पे एक फ्लाईओवर सेंक्शन हुआ है जो कि नौसड़ के आगे जाके उतरेगी, ताकि जो भी लखनऊ उखनऊ के लिए जाने वाले लोग हों यहाँ रश में ना फंसें, ऊपर ही ऊपर निकल जाए। देख लो हेड ट्रैफिक है, अगर उस बंदे ने मुझे जगह दिया होता तो मैं इस ट्रक से आगे होता, और इसके कारण मैं जाम जो फेस करूँगा वो नहीं करता। कोशिश करते हैं ओवरटेक करने के लिए। ओवरहीट होने के कारण मोबाइल बंद हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ी देर रुक के मोबाइल को कूल किया और आगे फिर से निकलते हैं। आपको देखेगा ये जाम होने के कारण ये लोग रोड पे खड़े हैं, अभी आके बीच में खड़े हो जाएंगे। ये देख लो, दे डोंट लिसन टू एनीबडी। ये महाशय को देखिए, इतने उस्ताद है साहब कि बीच में आके खड़े हो गए। They don't care about anybody. Very selfish. I really get irritated by their behavior. You should enjoy all the problems. ये नौसड़ पुल है, हमने सारी जैम पार करके बाहर निकला और इस पुल के ऊपर ही बगल में फ्रूट्स मार्केट लगे हुए हैं, फ्रेश फ्रूट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ से। अब हम आगे मूव करते हैं। पूरे हाफ पुल पे फ्रूट्स मार्केट लगे हुए हैं, फ्रेश फ्रूट्स मिल जाते हैं। पहले तो रोड पे लगे हुए रहते थे, लेकिन अभी प्रशासन ने इनको फुटपाथ पे लगाने की अनुमति दी है ताकि ये भी कमा खा सके। अभी देखिए, अभी ये फुट रोड पे ही लगा के रखा है प्रशासन, अगर अभी इसको डंडा मारेगी। कहेगा कि प्रशासन अत्याचार कर रही है। समझते नहीं है लोग।
ये राप्ती नदी है जिसके ऊपर से हम पार हो रहे हैं, गोरखपुर राप्ती नदी। यहाँ राइट हैंड साइड में एक पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, यहाँ से वोल्वो बसेस, नाइट सुपर बसेस, डे सुपर बसेस मिलते हैं लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, हर जगह के लिए मिलते हैं। अरे बस स्टैंड नहीं है, इलीगली लोग प्राइवेट बस वाले खड़े करते हैं पेट्रोल पंप के इलाके में, वैसे उनसे कोई ट्रैफिक के डिस्टरबेंस है नहीं। ये है नौसड़ मोड़, लेफ्ट हैंड साइड में फोर लेन की तरफ चली जाती है, और फोर लेन मतलब फोर लेन तो आगे भी है स्ट्रेट रोड पे, वो रोड बिहार बंगाल, वो जो फोर लेन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड को आसाम चली जाएगी। अभी ये दिसंबर का लास्ट चल रहा है, फिर भी बाहर धूप में आने पे बहुत काफ़ी गर्मी लगती है, लग रही है। हमारे डेस्टिनेशन बहुत ही नज़दीक है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप दिख रहा है उसी के करीब है। लेफ्ट टर्न लेना है, तो पार्किंग की जगह कम होगी। उतर गया हूँ और ये यहाँ के महिंद्रा शोरूम है, जस्ट लेफ्ट टर्न लोगे और महिंद्रा शोरूम यहाँ पे आपको दिखेगा, ये उसके एक्सटेंशन है और ये है महिंद्रा शोरूम। सर मुझे शोरूम में काम नहीं है, मुझे तो जाना है अभी पीछे सर्विस सेंटर में, हम सर्विस सेंटर की तरफ मूव करते हैं। मैंने अपनी कार पार्क कर दी है, कार हैज बीन पार्क्ड इन प्रॉपर प्लेस, नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड द सर्विस सेंटर। फिर से अपनी बाइक गाड़ी को देख लेते हैं साइड में, व्हीकल इज पार्क्ड, इट इज नॉट विजिबल फ्रॉम हियर, इसका मतलब ये सही जगह पे पार्क हो गया। महिंद्रा सर्विस सेंटर, ये प्राइवेट व्हीकल्स का
सर्विस सेंटर अंदर जाते हैं और ये कमर्शियल पार्ट जिसके अंदर मेरी गाड़ी लगी हुई है। अभी अंदर चलते हैं, उधर से हम आए हैं और प्राइवेट वाले की बिल्डिंग में, एक कमर्शियल वाले की। हमारी गाड़ी इसके अंदर बन रही थी बेसमेंट में, यहीं एक्सीडेंटल व्हीकल्स का रिपेयरिंग चलता है। ये लोगों को बैठने के लिए बना हुआ है। हाँ, अपनी गाड़ी देखते हैं कहाँ है, कहाँ क्या है मुझे पता है कहाँ है, चलते हैं। ये है मेरी गाड़ी जो एक्सीडेंट हुई थी, रिपेयरिंग तो हो चुकी है लग रहा, पर कुछ काम बाकी, अभी वॉश नहीं हुए। एक साइड की नई हेडलाइट लगी है, दूसरे साइड के इंश्योरेंस वाले ने इशू नहीं किया। इसका भी नया ऑर्डर था पर इन्होंने लगाया नहीं अभी तक। गाड़ी लगभग, लेट अस वॉच इट क्लोजली। इसके अंदर इन्होंने कुछ रखा, पार्ट्स तो लगा नहीं है। बैक लाइट अभी बाकी है, बैक लाइट बाकी है। पीछे का ये डाला पूरा नया लगा है, ये पूरा क्रश हो गया था। ये भी पुराने वाले इन्होंने फिटिंग कर दिया। दरवाजे वगैरह बैंड हो गए थे, ग्लासेस टूट गई थी। ये बाहरी बोनट एकदम ख़त्म हो गया था, वॉश करने के बाद पता चलेगा कैसा है। स्क्रैच वगैरह छूट गया था इस पर, बाकी रह गए इवन नहीं है, जैसे तैसे करके छोड़ दिया इन लोगों ने। क्योंकि मैं अच्छा कस्टमर हूँ, मैं चिल्लाता नहीं हूँ, मैं हल्ला नहीं करता हूँ, इसलिए भी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। चले, थोड़ा रफ होना बहुत ज़रूरी होता है। जो आके गाली गलौज करते हैं उनकी बहुत जल्दी सुनते हैं और अच्छा सा काम करते हैं, लेकिन अपनी तो आदत ही नहीं है, स्टार्टिंग प्रेम से ही करते हैं। अभी तक तो प्रेम से ही है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं दिख रहा। नीचे जो मैं दिखाया था वो एक्सीडेंटल का था, ये तो सर्विस सेंटर है। खैर, हम अभी यहाँ से बाहर चलते हैं और बात करते हैं। चला जाए नीचे, एक्सीडेंटल गाड़ी बनती है यहाँ पे। चलते हैं नीचे, देखते हैं, मिलते हैं सुपरवाइजर से, क्या काम बाकी रह गया। नागेंद्र जी हैं बाबू? हाँ। ये मेरी गाड़ी रिपेयरिंग में थी, मिस्त्री देखे रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये सरदार मोटर्स की एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट है। आगे डेंटिंग होती है, डेंटिंग और पेंटिंग, वो कुछ डिवाइस लगा कर रखे हैं डेंटिंग पेंटिंग के।
ऑफिस में बैठे हैं हम। अब गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ गई है, जब ये स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होती है, रेस लेती है, तुरंत बंद हो जाते हैं 5 सेकंड के अंदर, कभी कभी 2 सेकंड स्टार्ट होती है, रेस्ट लेती है, बंद हो जाती है। फ्यूल प्रेशर चेक करने के लिए इन लोगों ने एक डिवाइस मंगवाया है, उससे इनका ये फ्यूल प्रेशर चेक करेंगे। एक बार किए हैं, कुछ आउटपुट निकला नहीं है, इसलिए पूरी गाड़ी की ऑयल टैंक खोल रहे हैं, शायद ऑयल टैंक में कचरा जम गया है। देखते हैं आगे क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से कुछ चेक करेंगे, स्टार्टिंग प्रॉब्लम कहाँ है। मैकेनिक्स लगे हुए हैं, दे आर वर्किंग हार्ड। मेरे फ्रेंड्स, गाड़ी के पीछे फ्यूल टैंक होता है, उस फ्यूल टैंक के अंदर एक डिवाइस होता है, ये वो डिवाइस है जो इसमें डिफॉल्ट निकला है। इसमें इंडिकेटर भी लगा है जो कि फ्यूल टैंक को, टैंक में ऑयल कम या बेसी होता है, जो ब्लैक कलर का वो अप या डाउन होते रहता है। ये कनेक्टेड होता है मीटर, फ्यूल मीटर से, और इसमें कुछ ये डिवाइस टूटा हुआ है, यहाँ ऊपर कुछ क्रैक हो गया बता रहे थे, और ये वाली डिवाइस टूट गई है। इसमें से एक स्टील रॉड जो है बेंड भी हो गई है, टूट भी गई है, इसको फ़िलहाल चेंज करना पड़ेगा। इसके फॉल्ट है जो कि डाले के पीछे से खोली गई है। टैंक खोल के नीचे रखी हुई है, ये टैंक पड़ी हुई है। This is the new feed pump which is inside the fuel tank, and this is the old one which has been cracked, and this is the new one which has been issued by the company, and here is the mechanic who is very expert, and he has taken out from here where the meter is there, it is attached to that fuel tank feed pump, and this is the meter which he will attached to the new one which has been opened from the old one, and we will attach it to the new one, and then the problem will be rectified, I think. Thank you so much.